श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का सातवां अध्याय, मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं। कार्तिक मास महात्म्य का सातवां अध्याय सुनाऊं। ये कथा सुनकर सुत जी से सारे ऋषि मुनियों ने कहा, हे सुत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास तथा तुलसी जी का महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सुत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने राजा पृथु को दिया था, वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। इसलिए तुम सब एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है? आप कृपा करके मुझे इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे, तब उन्होंने बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखकर इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और शिव जी कहाँ है। इंद्रदेव के कई बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र को बड़ा क्रोध आया। तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। इसके बाद उसकी आंखों से ऐसे प्रचंड अग्नि निकली, मानो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति जी तथा इंद्र सहित सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, त्रिपुरासुर तथा अघासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुरमुनि, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ, तो तुम वर मांगो। तब सारे देवताओं सहित बृहस्पति जी ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है, उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिए। श्री बृहस्पति देव जी की स्तुति सुनकर देवादि देव महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया है और हमने इंद्र को जीवन दान दिया है, और हे बृहस्पति देव, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे कि हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं, तो सुरराज इंद्र की रक्षा कीजिए और सारे संसार को भस्म कर देने वाली ये अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है, उसको कृपया शांत कीजिए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मेरे नेत्रों से निकली हुई अग्नि वापस कैसे हो सकेगी, इसलिए हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर शिव जी भगवान ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम पर गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म करिए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दिया, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार उन्होंने अपनी दाढ़ी छुड़ाई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों में से जल निकाल दिया है, अथा इस बालक का नाम जालंधर होगा, परंतु यह शिव जी के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। इतना सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी
और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पवित्र थी। ऐसी परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा जलती, पाद्य अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुम्हें सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और अपने पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। वो अपने पति के पाप और पुण्य में आधे की भागीदारी होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वो 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्षों तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। इतना कहकर जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब देवता पाताल लोक में भाग गए थे वे जालंधर से अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का सारा वृतांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर उसने धस्मर नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। धस्मर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमान के वश ना तो मस्तक झुकाया और ना नमस्कार किया, बल्कि गरजते हुए स्वर में कहा कि दैत्यराज जालंधर ने जो कहला भेजा है वो सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा भला इसी में है कि वो रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के ये अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको मत कर, हमने जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जालंधर को उनका उत्तर सुना दिया। ये बात सुनकर जालंधर को बहुत क्रोध आया और वह देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर और दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल के साथ स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध प्रारंभ हो गया। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से सारी पृथ्वी भर गई। जो दैत्य युद्ध भूमि में मर जाते थे उनको शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। इधर गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों का प्रयोग कर देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटी के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जालंधर ने सुना तो उसने सारे बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके उन्हें आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दे। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर से घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने गए। द्रोणाचल पर्वत को वहां न देखकर
देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य जालंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः वे तुम्हारे मारने से नहीं मरेंगे। गुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दशों दिशाओं में भागने लगे और दैत्यराज जालंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवताओं के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंप कर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमना दैत्यों के नाश करने वाले, हे पीताम्बर धारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जालंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के सारे संतापों को हरने वाले और चंद्र सूर्य रूपी दो नेत्रों वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान के इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके सारे संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। इसलिए हे राजा पृथु, भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर वहां से जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर के भय से भयभीत और पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त मैं जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं। तब भगवान ने कहा कि शंकर जी से उत्पन्न होने के कारण और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़ग लेकर भगवान विष्णु जालंधर के साथ युद्ध के लिए युद्ध भूमि पहुँचे। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को आ गया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। बाणों से पूरा आकाश मेघों की तरह ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जालंधर के रथ का ध्वजा छत्र और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले और रथ के सारे घोड़ों को मार डाला। ये देखकर जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा से वार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जालंधर की गदा को काट दिया। फिर भगवान विष्णु और जालंधर के बीच कई वर्ष तक मल्लयुद्ध होता रहा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि आप लक्ष्मी जी तथा गरुड़ के सहित आप मेरे घर में वास करो। एवं अस्तु कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर के नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देव गंधर्व किन्नर यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेषादि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव गंधर्व किन्नर यक्ष और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।